वेलकम टू करंट वैसरी। आज 21 नवंबर 2023 और आज के डेट में मैं आप लोगों के लिए एग्जाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो में आई हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा और इम्पोर्टेंट लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू। आज के डेट में 21 के डेट में जो भी आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करेंट से रिलेटेड मैं लेकर के आई हूँ, और उसका पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने वो है कि हाल ही में 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या है, तो फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। और इसका शुरुआत कब हुआ था विश्व बाल दिवस का, तो 1954 में हुआ था। और ये यूनिसेफ इंटरनेशनल एक संस्था है, उसी के द्वारा इसको मतलब कि शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि यूनिसेफ के द्वारा क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, उसके पालन पोषण पे ध्यान दिया जाए, उसके कल्चर पे ध्यान दिया जाए, उसको जो सामाजिक जो कार्य हैं उसके लिए उसको जागरूक किया जाए। इसी को देखते हुए जो एक संस्था है यूनिसेफ इंटरनेशनल, वो इसके लिए बच्चों को सेलिब्रेशन के लिए ये दिन मतलब बनाया है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो नेशनल अगर वर्ल्ड चाइल्ड डे बनाए बोले तो 20 नवंबर को होता है, और नेशनल चिल्ड्रंस डे अगर बोले तो हो जाएगा 14 नवंबर को। तो नेशनल चिल्ड्रंस डे जो 14 नवंबर को होता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और जो विश्व बाल दिवस है हमारा 20 नवंबर को है। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है, जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जेवियर माली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। जो जेवियर माली हैं वे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और अर्जेंटीना का जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स है, और जो करेंसी है अर्जेंटीना पेसो है। ठीक है। और इसके बाद में इसी के साथ में आपको जानकारी दे दूं कि जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजी जी हैं, और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं थर्मन सनमुगरत्नम हैं, और जिम्बाब्वे के जो दूसरे राष्ट्रपति बने हैं वो हैं एमरसन मंगागुआ। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के किस स्थान पे ब्रज राज्य उत्सव मनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा में। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वे यूपी के मथुरा में ब्रज राज्य उत्सव मनाए हैं। और ये मैं बता दूं कि जो मथुरा में जो संत मीराबाई उत्सव की जयंती को चिन्हित करते हुए ये ब्रज राज्य उत्सव मनाया गया था। इसके बाद में आपके सामने जो चौथा क्वेश्चन है गाइस, वह है कि हाल ही में किस स्थान किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है, तो ये हो जाएगा यूपी सरकार। यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वे हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किए हैं, और इसका जो ये है ये पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में अभियान समानता और समावेश पे केंद्रित है, जो हर बच्चे हर हर के लिए अधिकार जो है। इसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन है वह है हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया, तो हो जाएगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया, और ये वर्ल्ड टॉयलेट पहली बार कब मनाया गया था, तो इसे 2001 में मनाया गया था, और इसका जो थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज है। और ये इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे क्योंकि जो टॉयलेट है उसकी स्वच्छता को ध्यान में रखते बनाया जाता है, ताकि उसके स्वास्थ्य पे कोई भी साइड इफेक्ट ना पड़े, ये इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया गया। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है आपके सामने, वह है कि हाल ही में किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ है, वे कहाँ के हैं, तो वे हैं जापान के। ठीक है। जो जापान के बौद्ध संगठन के जो सोका गक्कई हैं वे पूर्व डेसाकू इकेदा का निधन हो गया है। तो जापान का जानकारी के लिए मैं गाइस बता दूं कि जापान का जो कैपिटल है टोक्यो है, करेंसी येन होगा, और प्रेसिडेंट कौन है, फुमियो किशागी है। इसके बाद में जापान से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं कि इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जापान के याकोहोमा में डोसी पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपके सामने जो सातवां क्वेश्चन है गाइस वो है कि हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया है, तो उस जहाज का क्या नाम है, गैलेक्सी लीडर। वो है कि हाल ही में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा बारीपदा, और बारीपदा कहाँ है, तो उड़ीसा में है। इसके बाद जो नवा क्वेश्चन है वे है हाल ही में किस अभिनेता को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वह है रयान रेनॉल्ड्स।
और ये रयान रेनॉल्ड्स जो हैं कनाडाई अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता भी हैं। इसके बाद में जो आपके सामने जो 10वां क्वेश्चन है वे है, हाल ही में किस राज्य के सीबक थोर्न फल को GI टैग मिला है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख का एक सीबक थोर्न फल होता है, उसको GI टैग मिला है और लद्दाख में यह चौथा प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला है। इसके पहले पश्मीना शॉल, दूसरा खुबानी और लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग लद्दाख को मिल चुका है। GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये जो 1999 का ये एक्ट है और लागू कब हुआ था, तो 2003 में ये लागू हुआ था एक्ट, और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग टी के लिए ये GI टैग प्रदान किया गया था जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद में आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन जो करंट के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक GK का क्वेश्चन देती हूँ जिसका क्वेश्चन उस क्वेश्चन का जैसे है। GK का जो क्वेश्चन है वो आज का ये है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, जैसे कि था कि सत्याग्रह शब्द जो है उसका क्या मतलब है, तो उसका आंसर होगा सत्यबल। और मैं गाइज मैं ये बोलूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल का जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू। जय हिंद।